क्वेश्चन इज दैट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पर ये सवाल, इस सवाल का जवाब वो देता होता है, वो क्या नाम है उसका बुक का, जुवाल नोआ हरारी। हाँ वो इस तरह की बातें करता होता है। दैट टारगेटेड जीनोम एडिटिंग इज द आंसर ऑफ द कंसर्न्स अपीयर ड्यूरिंग द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी वॉज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू मैनिपुलेट द जीनोम, बट द जीन थेरेपी प्रोसीजर्स हैव नो मैच, दे आर लाइक ऑब्सोलीट आउटडेटेड थिंग्स बिकॉज एफिशिएंसी इज लाइक ऑलमोस्ट नथिंग, वी डोंट नो वेयर द जीन इज गोइंग, वी डोंट नो वेयर इट इज, वेयर इट विल बी लैंडेड एंड ऑल दिस ब्लाह ब्लाह। सो इट वाज लाइक नॉट एक्सेप्टेबल बाय द ह्यूमन रेस बिकॉज वी डोंट नो मच अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसीजर्स वी यूज्ड इन द जीन थेरेपी। सो लाइक ईदर वी माइट हैव यू नो अबैंडन्ड द प्रोसीजर व्हिच आई बिलीव एट दैट टाइम एंड आई टॉट टू माय स्टूडेंट्स दैट रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट विल नॉट गोइंग टू स्टॉप, दे विल गोइंग टू फाइंड अ वे हाउ टू एड्रेस दिस इशू। सो दे हैव डेवलप्ड टारगेटेड जीनोम एडिटिंग मेथड्स लाइक जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, टालंस एंड नाउ क्रिस्पर कास सिस्टम। ऑल दीज सिस्टम्स आर अलाउइंग ह्यूमंस टू मैनिपुलेट द जीनोम एट द प्लेस ऑफ आवर ओन चॉइस एंड दैट इज नॉट वी आर डूइंग जस्ट टू क्योर द डिजीज। क्योरिंग द डिजीज इज अ मास्क, क्योरिंग डिजीज इज अ, आई डोंट वॉन्ट टू डीफेम द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ओवर देयर, बट आई कैन टेल यू, आई मीन थेरेपी इज अ हॉक्स, इट्स लाइक अ मास्क विच रिसर्च साइंटिस्ट एंड ह्यूमन रेस इज यूजिंग। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ ह्यूमन ऑफ आवर ओन चॉइस, इज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर ह्यूमन। अब आप इस बात की सिवियरिटी का नजर निकालें, द पीपल हु आर अगेंस्ट दिस थिंग एथिकली एंड मॉरली, दे डू नॉट वॉन्ट ह्यूमन, वॉन्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स टू मैनिपुलेट द ह्यूमन जीनोम, सो दे आर रेजिंग कंसर्न्स एंड देयर कंसर्न्स आर लाइक लॉजिकल दैट वी डोंट नो द मैकेनिज्म, वी डोंट नो, वी कैन कंट्रोल द सिस्टम परफेक्टली, सो व्हाई वी हैव टू डू दिस। सो देयरफॉर साइंटिस्ट आर कमिंग अप विद आंसर्स, एफिशिएंसी वाज नॉट इनफ, नाउ द एफिशिएंसी इज बेटर, टारगेटिंग बट नॉट देयर, नाउ द टारगेटिंग इज देयर, सो दे आर कमिंग विद द आंसर्स to address the moral and ethical issues. But I can tell you, the backside thought process of human race is to develop, is to create a better human. Aur darne wali baat isme ye hai, evolution took millions of years to install a new property. Evolution ko kai saal lagte hain, lakhon saal lagte hain to install new properties in an animal. Constant pressure of the environment and the system and surrounding, and like it's a very slow, very very slow motion type of process. And after that, the animal becomes different than the forefathers. This technology will going to change the human genome in days. So imagine inducing properties as a result of the efforts of millions of years, inducing properties like in years. Few years that will going to speed up the process of evolution in humans. और ये future को एकदम से बदल के रख देगी। और I can tell you के इसमें unethical क्या है? वैसे हम इसको अलग से address करेंगे end में। लेकिन ये topic आ गया तो इसमें unethical ये है कि अगर if you are allowing someone to manipulate the genome and so the people who are having resources, the people who have access to the resources and the technology, they will going to develop, they will going to have better babies, they will going to have better offsprings, and that is why they will going to evolve in a very different way like the rest of the species. Aur jo species better evolve hoti hai wo kaise, wo kya karti hai, aapne maazi dekha hai, aap ye aapko batane ki zarurat nahi hai. If a species is evolving much better than the other one, guess kya hoga, वो जो इवॉल्विंग स्पीशी है, सुपर इवॉल्विंग स्पीशी है, इट विल नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग और एनी रिसोर्सेज, और इट विल नॉट गोइंग टू अकोमोडेट द अदर इंफीरियर रेस। सो ह्यूमंस के अंदर एक सुपीरियर रेस बन जाएगी और एक इंफीरियर रेस बन जाएगी एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो इसीलिए लोग इसके खिलाफ हैं कि इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द, बट दैट इज द अल्टीमेट, आई कैन टेल यू होएगा, ऐसे होएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप इट।